नमस्ते, ज्ञान गंगा भारत इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी उपयोजित लेखन में संवाद लेखन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके लिए वीडियो पूरा देखें। चले हम देखते हैं संवाद लेखन का प्रश्न। गांव का विकास देश का विकास विषय पर अध्यापक और छात्रों के बीच हो रहे संवाद को लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न जब आपको परीक्षा में पूछा जाए तो किस प्रकार आप संवाद लेखन लिखेंगे इसकी हम सविस्तर जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्यापक, छात्रों, गांवों के विकास से देश का विकास होता है, क्या यह सच है? छात्र एक, जी अध्यापक जी, गांव हमारी धरोहर है, गांवों के विकास से ही हमारी उन्नति संभव है। छात्र दो, हमारा देश कृषि प्रधान है, यदि कृषि भी आधुनिक तकनीक से होने लगे तो किसान को भी फायदा होगा। छात्र तीन, अध्यापक जी, गांवों में बिजली नहीं के बराबर है, यदि बिजली 24 घंटे मुहैया कर दी जाए तो किसान को और वहाँ के बच्चों को पढ़ने में भी सुविधा हो जाएंगी। छात्र चार, गुरुजी, वहाँ की सड़कें भी मिट्टी की बनी होती हैं, पक्की सड़क हो जाने पर यातायात भी सुधर जाएगा। छात्र पाँच, बिल्कुल दोस्तों, यदि गांव आधुनिक हो गए तो हमें पिछले नहीं कहलाएंगे। छात्र छः, और शहर में गांव के लोगों को रोजगार ढूंढने की भी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अध्यापक, बिल्कुल मेरे प्यारे छात्रों, गांवों का विकास ही देश का विकास है। इस प्रकार आज हमने संवाद लेखन में गांव का विकास देश का विकास इस विषय पर अध्यापक और छात्रों के बीच किस प्रकार का संवाद लेखन लिखना है इसकी हमने सविस्तर जानकारी प्राप्त की। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और आप हमारे ज्ञान गंगा भारत इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।